हाय गाइस, चलिए बनाते हैं आज आलू की सब्जी जो भंडारे पे मिलती है। इसको हलवाई लोग कैसे बनाते हैं इसका ही मैं आपके साथ सीक्रेट शेयर करूंगी, तो रेसिपी को एंड तक जरूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमने आलूओं को बॉईल कर लिया है और छील कर रख लिया है। अब लगाते हैं इसको तड़का। तो एक बर्तन ले लिया है मैंने और उसके अंदर डाल रही हूँ मैं सरसों का तेल। तो ये सरसों के तेल में ही बहुत टेस्टी बनती है। तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल में से धुएं निकल आएंगे तो इसके अंदर डालेंगे हींग। तो हींग इसमें थोड़ी सी ज़्यादा डलेगी, तो 2 से 3 पिंच हींग के आप इसमें डालिए। फिर इसमें जाएगा 2 छोटा चम्मच जीरा का, इसकी क्वांटिटी भी थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। 1 तेज पत्ता और 2 लौंग, ये भी डाल देते हैं। अब मैं इसके अंदर डालूंगी सूखा धनिया जिसको मैंने दरदरा कूट लिया है। तो ये छोटे वाले चम्मच आप देख सकते हैं, चम्मच का साइज, ये मैं 3 इसमें डाल दूंगी। तो इन सारे ही मसालों का इस सब्जी में बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो ये सारे मसाले डालने बहुत ज़रूरी हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी 4-5 करी पत्ता। तो सभी मसाले अच्छे से फ्लेवर रिलीज कर चुके हैं। अब मैं इसमें डाल दूंगी अदरक। तो अदरक को मैंने इस बारीक वाले कद्दूकस से ग्रेट कर लिया है। 2 इंच टुकड़ा अदरक का लिया है और इसको भी अब हम भून लेते हैं। सिम गैस पर इसे भूनेंगे। जब अदरक हमारी भुन जाएगी तो इसके अंदर हम डाल देंगे टमाटर की प्यूरी। तो इस सब्जी में लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं होता है क्योंकि ये भंडारे में यूज़ होती है, और ये इसी तरह से बनती है और इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। टमाटर की क्वांटिटी इसमें थोड़ी ज़्यादा डलती है क्योंकि ये थोड़ी खट्टी बनती है सब्जी। तो 5 टमाटर मैंने दिए थे बड़े साइज़ के, जिसकी मैंने प्यूरी बना ली है। अब टमाटर डाल दिए हैं तो इसमें डाल देते हैं नमक स्वाद अनुसार। सेंधा नमक का प्रयोग किया जाता है इसमें। साथ ही इसमें डाल देंगे हल्दी, आधा चम्मच हल्दी का मैंने डाला है। और 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्च और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी मिर्च। तो इन सारे ही मसालों को अच्छे से कर लेते हैं मिक्स और गैस को फुल पे कर लेंगे और अच्छे से इनको भून लेंगे जब तक हमारे टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो अब आप देख सकते हैं कि टमाटर मेरे 80% तक गल गए हैं। तो इस स्टेज पे मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच धनिया पाउडर, क्योंकि पहले भी हमने डाला था। आधा चम्मच गरम मसाला और कसूरी मेथी डालेंगे इसमें हाथों से क्रश करके। अब इन सारी चीज़ों को भी हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स, और हमने तब तक इनको भुनना है जब तक हमारे टमाटर जो है ऑयल रिलीज ना करते। तो बहुत बढ़िया से इनको भून लिया है मैंने, ऑयल रिलीज कर दिया है टमाटरों ने। अब हम इसमें आलू जो हमने बॉईल किए थे उनको डाल देंगे। इनको मैंने हाथों से क्रश कर लिया है। अब सारे आलू डालकर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अभी हमने आलूओं को मसाले के साथ भुनना है। तो 3 से 4 मिनट हम इनको भुनेंगे। गैस को मीडियम पे रखेंगे और इनको भुनते जाएंगे। जब हमारे आलू मसाला अच्छे से भुन जाएंगे तो ये पैन को छोड़ देते हैं। आप देखिए, इन्होंने पैन को छोड़ दिया है, ये अच्छे से भुन चुके हैं। तो इनको भुनना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं इनको कड़छी से इस तरह से थोड़ा सा पीस रही हूँ, इससे हमारी ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। तो थोड़े से आलूओं को हम इस तरह से पीस लेंगे। अब मैं इसके अंदर डालूंगी पानी। तो पानी को मैंने गर्म कर लिया था। अब हमने इसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये सब्जी की जो कंसिस्टेंसी है ये मीडियम होनी चाहिए, ये ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होती है और ना ही बहुत ज़्यादा पतली होती है। तो धीरे धीरे इसमें पानी डालेंगे और मिक्स करके देखते जाएंगे कि हमें कितना पानी इसमें चाहिए। तो थोड़ा सा पानी मैं और डाल रही हूँ और इसको अब हम कर लेते हैं मिक्स। अब मैं आपको कड़छी से दिखाती हूँ कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी कैसी रखी है। ये देखिए, तो इस तरह की ही कंसिस्टेंसी की ये सब्जी बनती है। और अब हम इसका ढक्कन लगा रहे हैं, लेकिन बंद नहीं करा है ढक्कन को, बस ढका है।
और इसको बॉईल होने देते हैं। फुल गैस पे बॉईल आने के बाद इसको सिम गैस पे 5 मिनट्स तक बॉईल होने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं और मेरी सब्जी बिल्कुल बनकर तैयार है। देखिए एकदम बढ़िया लाजवाब सब्जी बनी है। अब लास्टली इसके ऊपर डाल लेते हैं हरा धनिया। तो हरे धनिए से इसको गार्निश कर लेंगे और धनिए को भी हम सब्जी के साथ मिक्स कर लेते हैं। और तैयार है हमारी भंडारे वाली आलू की सब्जी बनकर एकदम रेडी है। तो चलिए मैं इसको डालकर आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं आप कितनी बढ़िया लाजवाब सब्जी हमारी बनी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। तो मैंने इसको सर्व किया था पूड़ी के साथ और साथ में रखे थे प्याज और आम का अचार। इसका स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। सो इन्जॉय।